पवन सिंह एक ऐसा नाम जो हमेशा रोमांच के लिए जाने जाते हैं, वैसे उनका रोमांस भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम भोजपुरी और मैं हूँ शशि प्रिया। और एक बार फिर पवन सिंह नजर आएंगे फिल्म वांटेड में नए अवतार में। पवन सिंह को अक्सर आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर पर एडवेंचर करते हुए नजर आते हैं तो कभी बुलेट लेकर निकल पड़ते हैं, लेकिन पवन सिंह इस बार नजर आएंगे कुछ अलग ही अंदाज में। तो ये कौन सा अंदाज है जो पवन सिंह को बनाएगा सबसे अलग थलग, और किस तरीके से पवन सिंह है तमाम हीरो को पीछे छोड़कर सबसे पहले ऐसे सुपरस्टार जो हमेशा एडवेंचर करते रहते हैं। तो पवन सिंह ने इस बार कौन सा नया एडवेंचर किया है ये हम आपको बता देते हैं कि कैसे उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग की है, और उस फिल्म की शूटिंग में उन्होंने जिंदा शेर के साथ खड़े होकर उससे बातचीत की है और उसके साथ किस तरीके से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं ये हम आपको दिखाएंगे एक वीडियो के जरिए। पवन सिंह वो नाम जिसने की भोजपुरी जगत को रोमांस से लेकर एडवेंचर तक दिया है। तो पवन सिंह का जो ये आने वाली फिल्म है, इस फिल्म में वो किस तरीके से सचमुच के शेर के साथ दिख रहे हैं ये हम आपको दिखाएंगे। पवन सिंह हमेशा से भोजपुरिया जगत को कुछ ऐसा देने की सोचते हैं जिसे देखकर भोजपुरिया जगत रोमांच से भर जाए। तो एक बार फिर से पवन सिंह की ये बहुत ही खास वीडियो सामने आई है, इस वीडियो को आप देखिए। और ये वीडियो उस वक्त की है जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और फिल्म का नाम है वांटेड। तो वांटेड की शूटिंग के दरमियान जब जिंदा शेर से मिले पवन सिंह तो क्या कुछ हुआ देखिए इस वीडियो के जरिए। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर पवन सिंह और यूट्यूब क्वीन के नाम से मशहूर आम्रपाली दुबे एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर काम करते हुए दिखाई देंगे। भोजपुरी के दोनों ही स्टार्स अब नई फिल्म शेर सिंह में तो काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा पवन सिंह की बहुत ही मोस्ट अवेटेड फिल्म है वांटेड, जो है बेहद सुपर हिट होने वाला। पवन सिंह के अपोजिट यूट्यूब क्वीन आम्रपाली दुबे इसमें नजर आने वाली है। निर्देशक शशांक रॉय की ये भोजपुरी फिल्म शेर सिंह है, लेकिन शेर सिंह के अलावा अगर हम बात करें वांटेड फिल्म की तो ये भी बहुत ही अच्छी फिल्म है जिसमें जिंदा शेर के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पवन सिंह जिंदा शेर के साथ शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें रोकने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन रोमांच था पवन सिंह में। हमेशा आप पवन सिंह को देखते होंगे कि कभी वो हेलीकॉप्टर से चले आते हैं फिल्मों में तो कभी वो बुलेट पर चले आते हैं, और इस तरीके से वो रोमांच दिखाने की कोशिश करते हैं फिल्मों में जो दर्शकों को चाहिए। दर्शक हमेशा से पवन सिंह को इसी रूप में देखना चाहते हैं। तो दर्शक पवन सिंह की इस फिल्म को देखकर कितने उत्साहित होते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पवन सिंह की जो फिल्में हैं लगातार बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। इसी महीने ईद पर रिलीज हुई पवन सिंह की इस फिल्म की बम्पर ओपनिंग हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैंने उनको सजन चुन लिया की, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी कमाई कर चुकी है। इसी बीच पवन सिंह का एक और वीडियो भी इंटरनेट पर कोहराम मचा रहा है जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। ये है फिल्म वांटेड का एक गाना, इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे कई बार देखा जा चुका है और करोड़ों व्यूज भी मिल चुके हैं। बता दें कि पवन सिंह और काजल राघवानी के लाजवाब अभिनय को भी सब जानते हैं, और इस फिल्म में मैंने उनको सजन चुन लिया में काजल राघवानी नजर आई हैं। लेकिन वांटेड में जिस तरीके से आप पवन सिंह को देखेंगे तो एक तरफ उनका रोमांस हो जाएगा और दूसरी तरफ उनका वो रोमांच आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म में जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं पवन सिंह को। पवन सिंह एक ऐसे एक्ट्रेस हैं जो हमेशा एडवेंचर वाली मूवी करना पसंद करते हैं, और शायद इसलिए उनके फैंस फॉलोइंग और ज़्यादा है और फैंस हमेशा उनके इस रूप का इंतज़ार करते हैं। तो फैंस का इंतज़ार खत्म हुआ और एक बार फिर से पवन सिंह वांटेड में उसी रूप में नजर आ रहे हैं। इसके शूटिंग में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जिंदा शेर के साथ वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस फिल्म में जिंदा शेर को दिखाया गया है और शेर पर ही ये मूवी बनी हुई है, और इस फिल्म को बेहतर बनाने की कोशिश लगातार जारी है। पवन सिंह की और भी कई ऐसी फिल्में थी जिसके बारे में हमने आपको बताई। काफी दिनों बाद
एक साथ पवन सिंह की और काजल राघवानी की भी जोड़ी आई, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। आम्रपाली दुबे और अंजना सिंह के साथ भी कई ऐसी फिल्में थी। बाकी फिल्म के सभी जो स्टार्स और कलाकारों की बात करें तो वो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन पवन सिंह की तो बात ही निराली है। अगर हम बात करें अंबर खुशी फिल्म एंटरटेनमेंट के तले बनी ये फिल्म सजन मैंने तुम्हें सजन चुन लिया की, तो ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही है और बॉक्स ऑफिस और सिने प्रेमियों पर गर्मी की जो तपिश है वो बढ़ा चुकी है। म्यूजिक कंपनी डीआरजे रिकॉर्ड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इस फिल्म के ट्रेलर और बैक टू बैक रिलीज हुए गानों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा और साथ ही फिल्म देखने के लोगों में बेशुमार उत्साह भी देखने को मिला। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की अगर बात हो और उनके रोमांच देखने को ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दर्शकों के उन तमाम इंतजार को खत्म करते हुए पवन सिंह की फिल्म वांटेड को जिस तरीके से डायरेक्ट किया गया, उस फिल्म को देखकर ऐसा लगेगा आपको कि आपने जिस चीज का इंतजार अब तक किया था वो इंतजार खत्म हो चुका है। और वांटेड में आप देखेंगे कि कैसे पवन सिंह की दिलेरी नजर आ रही है। अगर हम फिल्म वांटेड की बात करें तो वांटेड को सुजीत कुमार सिंह ने डायरेक्ट किया है और इसमें पवन सिंह के साथ मणि के भट्टाचार्य के अलावा अमृता आचार्य भी लीड रोल में नजर आने वाली हैं। तो इस फिल्म को देखिए, एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। तो देखा आपने, हमेशा की तरह पवन सिंह ने एक बार फिर से आप सभी को आश्चर्य में डाल दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल आइकन दबाएं। इस तरीके की फिर से ताजा तरीन वीडियो आप तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा चैनल लगातार देखना होगा, सुझाव देने होंगे। तो दीजिए नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया को अपने सुझाव और ढेर सारा प्यार। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया। नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।